बैरिंग है मेरे पास, सियेरा बैरिंग। अब ये बैरिंग ख़राब है, ठीक है ना। ये किसका बैरिंग है? ये है ड्रीम न्यू का, ड्रीम यू का, न्यू एक ही बात है। तो ये बैरिंग यहाँ लगता है इधर की तरफ। गियर की प्रॉब्लम आती है, गियर हार्ड डलते हैं। और ये बैरिंग अगर ख़राब होगा, गियर अगर हार्ड डलेंगे या फिर गियर में थोड़ी सी टाइटनेस होगी या फिर स्मूथ नहीं होगा इंजन, तो इंजन फिट करते समय ये बैरिंग चेक करना जरूरी है। और इसके बैरिंग को डालेंगे नहीं तो वो दिक्कत रहेगी सेम टू सेम। अभी बैरिंग मिल नहीं रहा है, हमने मार्केट में पता किया, हर जगह पता किया, मिल नहीं रहा है मार्केट में बैरिंग। इसमें टाइम मांग रही है गाड़ी, मतलब जो दुकानदार होता है वो 3-4 दिन का टाइम मांग रहे हैं। ये बैरिंग देखो, बहुत डिफरेंट बैरिंग है यहाँ लगता है ये। तो फटाफट से हम चलते हैं, ऐसी वर्कशॉप है जहाँ पे बैरिंग मिलने के चांस हैं, और अपने गोप्रो को निकालते हैं और फटाफट देखते हैं। ये इंजन पूरा पड़ा हुआ है और इसको लगा के एक छोटा सा व्लॉग शूट करते हैं और आपको बताते हैं बैरिंग की शॉप कहाँ पर है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाता है। गाड़ी लॉक करते हैं, क्या हुआ? तो गाड़ी लॉक करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से देखते हैं बैरिंग की वर्कशॉप है जहाँ पे वो सामान मिल जाएगा। ये रहा बैरिंग का शॉप, मेरे ख्याल से यही है शायद, 2 नंबर, हाँ यही है शायद। बैरिंग मिलेगा क्या यार? ये वाला बैरिंग निकाल देना भाई, बैरिंग होगा मिल जाए यार, दिक्कत हो रही है। निकाल दो भाई, नहीं है। अरे भाई कहाँ मिलेगा ये? अच्छा एक दुकान छोड़ के मिल जाएगा, ओके। अच्छा यहाँ मिल जाने के चांस है यार, बैरिंग नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। अच्छा ये दुकान काफ़ी बड़ी है, ओमेगा बैरिंग्स। भैया ये बैरिंग निकाल दो यार, यहाँ उम्मीद कर रहा हूँ मिल जाएगा। ये बैरिंग नहीं मिल रहा यार, बड़ी छोटी सी चीज़ है पर परेशान कर रही है। ये एक मार्केट है सीलाल चौक की, यहाँ पे काफ़ी सारा सामान मिलता है। एक किस कौन सा? ये क्या बात है, लड़का मुस्कुरा गया। एक केजी दे दियो। हे हे ला 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 ला। 180 बैरिंग चेक कर रहे हैं ये। आप किसी में कितने का रहे हैं? नंबर चेक कर रहे हैं बैरिंग का। 14-22 देखो यार, मिल जाए तो बढ़िया है, सन बनना दिक्कत हो जाएगी। मिल जाना चाहिए यार, 6201-6202। सिर्फ एक बैरिंग की वजह से मेरा पूरा दिन चले जाएगा अगर यहाँ नहीं मिला तो। कंप्यूटर में चेक कर रहा बाबा। ये लो भैया। हाँ जी सर, एक ही तो बस फिलहाल तो। ये तुम मुस्कुराते नहीं हो क्या भाई तुम? नहीं। निकाल के भी लगा सकते हैं क्या? आपका जैसा लगा होगा। तो ये अंदर से यहाँ से कटेंगे, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है लग रही? अच्छा ऑयल जाने के लिए साइज सेम है, बस यही है, हाइट में भी सेम है ना, सब कुछ सेम है। कौन सी कंपनी का ये? क्वालिटी क्या है ये वाला? कौन सी गाड़ी? बैरिंग का काम करते हो बस? अब तुम्हारे पास ये वाला बैरिंग जो सर के, तो कौन सी क्वालिटी का है? चाइना का है जी। मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं है क्या? इसमें एनआरबी अच्छी है वगैरह नहीं है क्या? कितने का है? अच्छा मतलब ओरिजिनल है ना सर ये? ठीक है सर दे दो। सर पेटीएम वेटीएम चल जाएगा? पेटीएम ये वाला नहीं, बढ़िया चाहिए तो इंडियन जापान का मिल जाएगा 350। हाँ सर दे दो ना, साढ़े पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर, 90 वाला नहीं चाहिए, सस्ता वाला नहीं चाहिए। आप वही निकाल दो बढ़िया वाला, ये लो 350 वाला निकाल दो, पैसे की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब कस्टमर खर्चा करता है ना भाई, हमें भी दिक्कत नहीं होती खर्चा करने में, हमें भी सुकून मिलता है। चल कोई नहीं यार, अच्छी वाली डालेगा। देखो 90 रुपये का बैरिंग था ये हमने मना कर दिया। मैंने कहा चल कोई नहीं, अब वो बोल रहे हैं जापान कंपनी का टेक्नोलॉजी अच्छी है, 350 रुपये का वो बैरिंग अच्छा है। मैंने कहा वो ही बैरिंग दो आप, सबसे बढ़िया रहेगा। देखो ये तुम्हारा भाई है, हिमालयन सोच रहा हूँ, हिमालयन दोबारा ले लूँ एक बार कमेंट करके बताना। अगर हिमालयन दोबारा लेनी है ना तो कमेंट करके जरूर बताना भैया। पेटीएम कर दूँ, फोन पे कर दूँ? फोन पे गूगल पे कुछ तो हो जाएगा सर। भाई आपके पास पेटीएम कर दूँ, कैसे दे दोगे 350 रुपये कर दूँ? अरे भाई मेरे, थैंक यू सो मच भाई। एनटीएन ये मेड बाय जापान है ना? एनटीएन जापान मतलब ये ओरिजिनल बैरिंग होता है ना? ओके सर, ओरिजिनल है। एनटीएन भाई, एनटीएन भी कंपनी के बारे में पता लग गया, बढ़िया कंपनी बता रहे हैं। एक और दो बोला था ना, इसकी एमआरपी देखता हूँ कितनी है भाई। एमआरपी तो नहीं है भाई, एमआरपी लग रहा है, फॉर रखी है। एमआरपी नहीं है इसमें यार, एमआरपी नहीं होती इस पर भाई। अब क्या करें, लेना तो पड़ेगा ना। ये लेके चले जाओगे अंकल जी या किसी को भेजूं? मैं भी चले जाऊंगा। Few moments later. तो भाई मुझे फाइनली बैरिंग मिल चुका है, 350 रुपये का दिया है। चलते हैं अपनी स्कूटी पे, निकलते हैं अपनी वर्कशॉप पे और मिलते हैं आपसे आगे। भाई मज़ा आ गया मेरे को भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा थी और मन कर रहा था कुछ पी लिया जाए और ठंडा ठंडा मिल गया, मतलब मैं मान लो आत्मा तृप्त हो गई भाई मेरी। यार रूह अफ़ज़ा पीने का ना अलग ही स्वाद है, रूह अफ़ज़ा पीने का अलग ही स्वाद है भाई। मज़ा आ गया, मज़ा, पेट एकदम ठंडा हो गया, गले से जब रुपजा उतरा ना भाई साहब क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। फटाफट से निकलते हैं अपनी वर्कशॉप पे। अरे बाबा, अरे बाबा, पैरिंग आ चुका है। अब इस पैरिंग में हम शाफ्ट डाल के देखेंगे, शाफ्ट हम प्ले तो नहीं आ रही, इसकी शाफ्ट निकालो फटाफट, जिस प्ले में इस पैरिंग में जो शाफ्ट जाएगी जल्दी फटाफट निकालो। ये रे भाई, ये नहीं पूरी कंप्लीट क्लच असम्बली, इसकी शाफ्ट डलेगी, चेक करेंगे इस बैरिंग को अंदर डाल के चेक करेंगे। शाफ्ट ना प्ले नहीं आनी चाहिए, प्ले आएगी तो गड़बड़ है, वैसे प्ले नहीं आनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये प्ले अंदर डाल के देख लिया, अरे बाकी बात मक्खन बैठ रहा है ना भाई साहब, है ना एकदम मक्खन बैठ रहा है ना इसका। हाँ, मक्खन, ये क्या बात है, मस्त हो गया। ये बैरिंग था इसकी ज़िंदगी झंड हो रखी थी, अब ये बैरिंग है। इसके अंदर थोड़ी सी लाइन है और ये एक अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ से ऑयल सप्लाई जाएगी प्रॉपर तरीके से, ऑयल सप्लाई यहाँ से जाके इसमें जाएगी। और मतलब इस ये कंपनी फिटेड है, एक मिनट दिखाना जरा, ये वाला जो बैरिंग है कंपनी फिटेड है, इसके अंदर ये नहीं है, जबकि अलग से जो मैंने लिया है इसमें कंपनी फिटेड नहीं है ये, बट ये जो है यहाँ से कटिंग है और इसमें ऑयल के लिए दे रखा है, यहाँ से ऑयल जाएगा एकदम मक्खन की तरह काम करेगा स्मूथ एकदम। तो फटाफट फिट करते हैं, ये इसका बुस है, ऐसे था ये एकदम, ठीक है ना। ये बैरिंग पता मिलता नहीं, मिल गया बहुत बड़ी बात है, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। चलो कोई नहीं, फटाफट से फिट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बाबा, टेक केयर।